हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर एक वीडियो के साथ। दोस्तों काफी बातें हो गई, लेकिन एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था कि टोकन अमाउंट से क्या रिफंड लिया जा सकता है, या कब देना चाहिए, या वो देते वक्त कौन से पेपर बनने चाहिए, और वो पेपर में होना क्या क्या चाहिए। तो आज हम बात करेंगे उसी पे, टोकन अमाउंट और उससे रिलेटेड चीजें। तो पहली बात दोस्तों की टोकन अमाउंट कब दिया जाता है, जब भी सेल अपना डील क्लोज मतलब लॉक करनी होती है, बायर और सेलर के बीच में अगर है सौदा पक्का करना है तो टोकन अमाउंट दिया जाता है। अब टोकन अमाउंट बने तो पेपर क्या क्या होने चाहिए। तो टोकन अमाउंट आप एक रिसिप्ट साइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप रेवेन्यू स्टैम्प लगा के कि ये दिया है इन्होंने रिसिप्ट। और दूसरा है कि उसके अंदर मेंशन क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए कि भाई सौदा कितने में हुआ है, और ये सौदा कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने दिन दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं है कि वो चलता रहेगा मतलब 6 महीने 1 साल। तो टाइम स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, लगभग 1 से 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, नहीं तो 1 महीना। और फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, बट 3 महीने से ज़्यादा मैंने नहीं देखा टाइम देते हैं, कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए इतने ज़्यादा टाइम देने की, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और कई बार अगर आप बात करें टोकन अमाउंट होता कितना है, तो 2-5% डिपेंड करता है। अगेन बहुत छोटा, आपने 5 करोड़ की चीज ली और 50,000 टोकन दिया तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता है वो थोड़ा सा रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए कि लगे कि, तो 2-5% हम इसीलिए कहते हैं। इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कोई लीगल पेपर साइन नहीं किए हैं, जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, सेल डीड है, ये टाइम तो एक अपन हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भर के और ये सारे पेपर साइन करते हैं, तो उसकी आप कोर्ट में उसको जाके चैलेंज कर सकते हैं। बट ये जो रिसीप्ट हो गई, या कई बार हम MOU बनाते हैं, कई बार हम MOU बना के नोटराइज करते हैं, तो उनकी कोई इतना ज़्यादा लीगल अहमियत नहीं होती, बट फिर भी पेपर पर है तो ज़रूर कुछ तो इफेक्ट आता ही है, किसी ने साइन कर दिए तो उसके भी कुछ कमिटमेंट आ जाती है वहाँ पर। तो ये रहा टोकन अमाउंट के बारे में। पर कई बार मुझे जो लोग पूछते हैं, क्या मैंने कहीं टोकन अमाउंट दे दिया था वापस पैसे मिलेंगे। टोकन अमाउंट का मतलब ही होता है कि ये नॉन रिफंडेबल है, वो फॉरफिट हो जाता है। पर अगर आपने जब टोकन अमाउंट दिया था और आपके बीच में कोई समझौता हुआ था, कोई एग्रीमेंट हुआ था कि अगर मान लो आपने 5 लाख टोकन अमाउंट दिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पर फिर आप उसमें लिख सकते हैं कि इन केस किसी वजह से कैंसिल हो जाने से 50% रिफंड करेंगे, 50% फॉरफिट हो जाएगा, ऐसे अगर उसमें लिखा था तो। अदरवाइज टोकन अमाउंट ऐसे माना जाता है कि वो नॉन रिफंडेबल होता है, नहीं तो फिर दोनों ओपन ही रहेंगे ना, मतलब क्या हुआ टोकन देने का, कि जाए जब आप मान लो, तो बायर का जैसे पैसे जाता है तो सेलर के ऊपर क्या लायबिलिटी होती है। तो सेलर का ऐसे होता है कि भाई अगर सेलर पीछे जाता है, बैकआउट करता है, तो सेलर को डबल पैसा रिफंड करने होते हैं। एक तो 5 लाख उसके जो लिए थे उसको देने ही होते हैं, पर सेम अमाउंट जितना उसके लिए रिस्क था उतना ही फिर सेलर को और अपने तरफ से देने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों के लिए बराबर हो जाए रिस्क, वो भी बैकआउट ना करे। मान लो कि 1 करोड़ की जैसे प्रॉपर्टी थी और उसको अभी 1:10 का ऑफर मिल रहा है, तो उसका भी मन होगा ना यार हम बदल जाते हैं कि मेरा ये इशू आ गया, मैंने चेंज हो गया है। कई बार मेरे साथ हो चुका ये चीज, तो उसमें ऐसा होता कि आप डबल दें, तो जब देखते हैं 5 लाख और घर का जा रहा है तो कई बार वो आदमी भी नहीं करता है। बट ये जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे रिसिप्ट हो गई या MOU हो गया, तो वहां पे मतलब 2 विटनेस जरूर रखें। नॉर्मली होता है कि बायर सेलर अपना साइन कर देते हैं, पर उसमें क्या है, वो दोनों लड़ने वाले खुद ने ही साइन कर रखी है, वो एक दूसरे को गलत बता सकते हैं, बट जब विटनेस रहेगा तो वो दोनों के लिए सेफ रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी सौदा हो वो ब्रोकर के थ्रू करें, आप सेफ जोन में रहते हैं, पर खुद करने वाले कई बार देखा गया है कि वो फंस जाते हैं इन चीजों में। और इनफैक्ट जो फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं वो टारगेट ही ऐसे करते हैं कि कोई महंगी प्रॉपर्टी सस्ते रेट में डाल दी, एडवर्टाइज की। अभी मेरे एक आया था बंदा, उससे स्टोरी सुन रहा था कि सिमिलर प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली थी बट इसकी सस्ती थी, तो ये डायरेक्ट ढूंढ के चले गए और उसने इनको फंसा दिया और इसके पैसे फिर वो गड़बड़ कर लिए। बहुत बड़ी स्टोरी है, फिर कभी अब मैं एक पूरी सीरीज चलाऊंगा कि क्या क्या फ्रॉड हुए हैं और हम कैसे उससे सबक लेके सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो रिफंड करने, अब लोग कहते हैं कि कैसे एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए, तो एक तो आपने जब एग्रीमेंट किया था तो उसमें मेंशन है अगर कि ये रिफंडेबल होगा या जो भी है क्लॉज डाला है, तो आप जाके उसको, आप लॉयर से उसको नोटिस भेजो और उसको लीगली जो भी है आप उसके साथ कार्रवाई करो, नहीं तो आप पुलिस स्टेशन में जाओ।
पुलिस भी दोनों को बुला के, या तो अगर आपकी भी गलती है आप बैकआउट कर रहे हो टोकन देके, तो वो क्या रीजन है, आपको कहीं सस्ता मिल गया इसलिए आप पीछे जा रहे हो, तो क्या है वजह, तो उस हिसाब से फिर आप दोनों भी कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बेटर तरीका है मिल बैठ के, अगर शॉर्ट आउट हो जाता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि कानून का हेडेक बहुत ज्यादा है, आप चक्कर काटते हैं, बहुत टाइम लेता है हर चीज में, तो वो सारे इशू आते हैं। मैं तो सिंपल रखता हूँ बॉस, की कोई भी चीज है वीडियो बना लो। जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब बातचीत हुई थी, टोकन अमाउंट दिया था, और कभी भी ये कैश वगैरह में टोकन नहीं होता। पहली बात तो ये, अभी गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करती कि आपने कैश में दे दिया 2 लाख टोकन अमाउंट, एकदम गलत है भैया, आप फंस जाओगे उस चक्कर में, क्योंकि वो कहीं हम उसका ट्रांजेक्शन नहीं दिखा सकते। बैंक टू बैंक करो, ऑनलाइन ट्रांसफर चलता है, चेक से दिया हुआ चलता है, वो ज्यादा बेटर है। और कोई भी, जो मान लो कि कोई सेलर है, वो अगर 1-2 लाख के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी अटका के बैठ जाएगा, अगर वो लिटिगेशन में गई प्रॉपर्टी, किसी से टोकन ले लिया और आप इधर उधर घुमा रहे हो, तो फंस जाओगे भैया, ना आप रेंट पे दे पाओगे ना सेल कर पाओगे, अगर सामने वाला धाकड़ निकला तो। इसलिए बेटर है कि सब ठीक ठाक काम करो, और जो टोकन देने वाला है भैया 10 बार देख लो, जो भी हो, भले रिश्तेदार है, जानकार है, पहचान है, जानता हूं, पर पेपर वर्क एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में 100% करने का, बहुत लोग है, जहां ज्यादा भरोसा करोगे ना वहीं पे डूबोगे। बोलते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो भैया भरोसा किए और गए। तो ये कुछ था टोकन के बारे में, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं जरूर हाजिर है बंदा। थैंक यू वेरी मच, बात करके खुशी हुई।